Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Baby Health Guide. दोस्तों, छोटे बच्चे को संभालने में माता पिता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिशु और छोटे बच्चे अपनी परेशानियों को खुलकर बता नहीं पाते हैं। ऐसे में यह केवल रोकर ही अपनी बात को बताने का प्रयास करते हैं। बच्चे और शिशु थोड़े थोड़े समय के बाद पॉटी या यूरिन पास करते हैं, इसी वजह से उनको डायपर पहनाए जाते हैं। डायपर यूरिन को सोखने का काम करता है, इससे बच्चों को गीले डायपर से बचाव होता है। लेकिन कई बार कुछ डायपर लीक हो जाते हैं, ऐसे में बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बच्चों के डायपर के साथ ऐसा होना बेहद आम बात है। डायपर लीकेज होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि डायपर लीकेज के क्या कारण हो सकते हैं और डायपर लीकेज से बचाव कैसे करें। नंबर एक, डायपर लीकेज के क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, बच्चों के डायपर लीक होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि डायपर लीक करने के बाद यदि उसे चेंज करने में अधिक समय लग गया है तो इससे शिशु और बच्चे के स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि आगे जाकर बहुत नुकसान देता है। डायपर लीक होने के पीछे जिम्मेदार डायपर की फिटिंग में समस्या होती है। डायपर का क्वालिटी खराब होने की वजह से भी डायपर लीक हो जाता है। नंबर दो, डायपर लीक होने के बचाव के उपाय। नंबर एक, बच्चों का फीडिंग टाइम निर्धारित करें। दोस्तों, यदि बच्चा थोड़ा बड़ा है तो ऐसे में उसे फीड कराने का समय निर्धारित करें, यानी कि सेट कर लें। किसी भी समय बच्चे के फीड कराने या खाना खिलाने से डायपर लीक होने की समस्या बढ़ जाती है। 6 महीने या साल भर के बड़े बच्चों को रात में सोने से ठीक पहले तरल पदार्थ देने से बचें, यानी कि कुछ भी उन्हें पीने वाली चीजें ना दें। नंबर दो, सही साइज का डायपर चुनें। दोस्तों, डायपर को लीक होने से बचाने के लिए आप बच्चे की साइज का ही डायपर चुनें। बच्चे या शिशु का डायपर ढीला होने की वजह से भी लीक होना शुरू हो जाता है। इस समस्या से बचने के लिए आप सही साइज का डायपर को बच्चे के लिए चुन सकते हैं। नंबर तीन, रात में डायपर को अवश्य बदलें। दोस्तों, शिशु और बच्चों का डायपर रात में बार बार चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे में जब आप बच्चे के डायपर चेंज नहीं कर पाते हैं तो इससे बच्चे का डायपर लीक हो जाता है। ऐसे में आप रात को बच्चे का डायपर गीला होने पर चेक करें, अगर गीला है तो उसे चेंज कर दें। नंबर चार, डायपर को सही तरह से पहनाएं। दोस्तों, डायपर को आपको सही तरह से पहनाना चाहिए। यदि आप डायपर को सही तरह से नहीं पहनाते हैं तो इससे भी बच्चों का डायपर लीक हो जाता है। बच्चों को डायपर पहनाते समय डायपर को कमर पर ठीक ढंग से पहनाएं, साथ ही उसकी जांघों पर भी कवर करने वाली लाइनों को देखें कि वे सही से फिट हो रही हैं या फिर बच्चों को अनकंफर्टेबल है। अगर डायपर ज्यादा ढीला है तो उनकी साइज का नहीं है। नंबर पाँच, थोड़े समय के बाद डायपर को चेक करें। दोस्तों, डायपर लीक करने की समस्या से बचने के लिए आप बच्चे के डायपर को थोड़े थोड़े समय के बाद चेक करते रहें। गर्मियों के समय में बच्चा पानी ज्यादा पीता है और बार बार यूरिन पास करता है, ऐसे में आप निश्चित समय पर ही तरल पदार्थ चीजों को बंद कर दें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चों के सोने से पहले आप उन्हें पीने वाली चीजें ना दें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।